हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। फैमिली, आज एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट लेके आया हूं मैं मीरा भेंदर में। इसका नाम है MICL। इसका जो कोड नेम है, प्रोजेक्ट का जो नाम है, वो है आराध्या पार्क वुड। इसके पहले MICL ने लॉन्च किया था आराध्या हाई पार्क, लेकिन अभी ये इनका फेज टू है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम पार्क वुड है। ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से महज 100 मीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट है, बिहाइंड ठाकुर मॉल। आज इसी प्रोजेक्ट के बारे में हम आप सभी से बात करेंगे। मैं दिलीप शर्मा, चैनल पार्टनर अ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मीरा रोड मुंबई से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल कीप ग्रो प्रॉपर्टी में। फैमिली, आइए पहले मैं आप सभी को इस लोकेशन का एंड फ्लैट का वीडियो दिखाता हूँ। एंड प्रोजेक्ट ये कहाँ पे आएगा, कौन से लैंड पे आएगा, जाने की रास्ता क्या है, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक वीडियो में दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आप सभी को इस प्रोजेक्ट का सारा डिटेल्स मेरे इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो आइए पहले हम वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आप सभी का इसका सारा डिटेल्स बताऊंगा। फैमिली, अब ये जो रोड देख रहे हैं, ये कासिम मीरा के तरफ से आता है। जब भी हम कासिम मीरा से आते हैं और ये जो रोड जा रहा है, ये मुंबई दहिसर को ये रोड चला जाता है। जस्ट इसके बाजू में ही ये प्रोजेक्ट है। ये रास्ते से प्रोजेक्ट पे जाने के लिए रास्ता है। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, वो MICL का ए विंग है, जो इनका नियरिंग पोजीशन है, जिसका OC आ चुका है और पोजीशन देने वाले हैं। ये वही बिल्डिंग है और यहाँ से जो है इनका पूरा कॉम्प्लेक्स चालू होता है, जिसका पूरा लैंड पार्सल 13.8 एकड़ में ये पूरा लैंड पार्सल है। इसके ऊपर ही ये प्रोजेक्ट आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड में अभी मैं जो देखिए, वो उनका ऑफिस जाने का रास्ता था। और ये इनका ए विंग आराध्या हाई पार्क, जो इन्होंने इनका रेडी पोजीशन है, अभी डिलीवर करने वाले हैं, OC आ चुका है। ये वो बिल्डिंग है। नीचे आप देखेंगे तो कंटिन्यू शॉप है। इसमें शॉप अवेलेबल है, इसमें हमारे पास, इसमें फ्लैट भी हमारे पास अवेलेबल है। आपको अगर आपको आराध्या हाई पार्क में भी फ्लैट चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे इनका आराध्या पार्क वुड आ रहा है, जो इनका न्यू प्रोजेक्ट है। हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ये इनका ई और एफ विंग है, जो कि इसके पहले ये लोग लॉन्चिंग किए थे, लेकिन अभी हम लोग उस पे जाने वाले हैं। यहीं से ये जो रास्ता है, अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये टोटल 120 फीट रोड है। ये 60 फीट लेफ्ट हैंड साइड में है और 60 फीट राइट हैंड साइड में है। बहुत ही अच्छा ये कॉम्प्लेक्स है। आप सभी एक बार आएं और ये प्रोजेक्ट विजिट करें। फैमिली, ये जो अभी देख रहे हैं, आपको रोप टॉप पे, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको एमिनिटीज मिलेगा, तो ये रोप टॉप का जो एमिनिटीज है, टेरेस का जो एमिनिटीज आप देखेंगे, इस तरीके से आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, ओपन एरिया मिलेगा बैठने के लिए, तो बहुत ही लग्जरियस है ये। ये अभी आप देखिए, ये जो है मॉडल है, इसके जो पोडियम पे है, देखेंगे आपको इस तरह का आपको एमिनिटीज मिलने वाला है, गार्डन मिलने वाला है। और ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आराध्या पार्क वुड का मॉडल है, इसी डिजाइन में आने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो गया, ये इसके रोप टॉप का एमिनिटीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये बिल्डिंग का मॉडल है, बिल्डिंग बनने के बाद इतना ही खूबसूरत और इसी तरीके के डिजाइन आने वाला है। फैमिली, ये इसका 1 BHK है। 1 BHK का हम लोग लिविंग एरिया में है। जैसे ही एंटर करते हैं, राइट हैंड साइड में आपको कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट मिल जाता है। उसके आगे आपको किचन मिल जाता है। किचन में काफ़ी अच्छा स्पेस है। इसके सामने अभी आप देखेंगे लिविंग एरिया के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाते हैं, तो आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है, जो 1 BHK का मास्टर बेडरूम है। आप देखेंगे बहुत अच्छा स्पेस है। कबर्ड स्पेस इसमें नहीं बनाया गया हुआ है, बट इन्होंने कबर्ड बनाया हुआ है। कबर्ड बनाने के बाद भी आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। ये इसका वॉशरूम एंड टॉयलेट है। वॉशरूम एंड टॉयलेट देखेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा वॉशरूम एंड टॉयलेट है इनका। तो आप सभी आइए एक बार फ्लैट विजिट कीजिए। बहुत ही शानदार ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट है। आप एक बार ज़रूर से ज़रूर आए ये प्रोजेक्ट को देखने के लिए। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये 2 BHK का इनका सैंपल फ्लैट है।
हम सामने अभी लिविंग एरिया में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक मास्टर बेडरूम मिल जाता है, आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली इसमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, हमने जैसे तैसे करके आप सभी को दिखाने के लिए, आप सभी तक के पहुंचाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो बहुत ही फास्ट ये वीडियो है, आप सभी जब भी प्रोजेक्ट पे आएंगे तो आपको जो है एक्चुअल वीडियो हम दिखा देंगे। राइट हैंड साइड में आपको राइट में आता है कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट जो कि काफ़ी अच्छा है, और उसके ठीक सामने आपको किचन मिलता है। किचन भी जो है काफ़ी बड़ा किचन है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है, और उसके सामने जो है आपको यहाँ पे देखेंगे आपको फ्रिज एरिया मिल जाता है। इसके बाद आपको इसका दूसरा जो कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम आपको मिल जाता है। आप कॉमन बेडरूम में देखेंगे कबर्ड बनाने के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से स्पेस आपको मिल जाता है। अभी हम लोग ये लोग सेकेंड बेडरूम में है, जो कॉमन बेडरूम में है, बहुत ही यूनिक फ्लैट है ये, आप देखेंगे कोई पैसेज वाला ये फ्लैट नहीं है। ये जो देख रहे हैं यही रोड ऊपर जाने के लिए, और ये जो सामने आप देख रहे हैं वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये जो गेट दिख रहा है, ये सिंगा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, सिंगापुर प्लाजा जो इंटरनेशनल स्कूल है, ये राइट हैंड साइड में ये उसका है। और ये जो सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये गेट पार्कवुड का है, ये राइट हैंड साइड में आप देखिए ये सिंगापुर प्लाजा जो स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल, ये उसका ग्राउंड है जो कि बहुत ही बाजू में है, अगर आप देखेंगे तो एकदम कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। और अभी हम लोग जो सामने ये जो देख रहे हैं ये गेट आराध्या पार्कवुड का ये गेट है, यही से इसका मेन एंट्रेंस होने वाला है कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए। आराध्या पार्कवुड के अंदर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, आप देख सकते हैं अंदर जो है लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि वर्कर लोगों का घर बना हुआ है जो कि वहाँ पे जो काम करते हैं, और ये सामने देखेंगे कि काम जो है वो स्टार्ट है, यही पे जो है आगे आ रहा है इसका पार्कवुड का ABCD, चार विंग यहाँ पे आ रहा है, फिलहाल सी और डी विंग लॉन्चिंग किए हैं। आप सामने देखेंगे एकदम ग्रीनरी भरा हुआ है, संजय नेशनल पार्क है वो, जो कि आपको यहाँ से माउंटेन भी और सिटी भी दोनों ही मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट से, इस बिल्डिंग से। इसका अगर फर्स्ट सेकंड फ्लोर भी आप लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है, काफ़ी हाइटेड हो जाता है और बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आप सबसे गुजारिश है आप सभी एक बार आइए और ये प्रोजेक्ट विजिट करें। फैमिली आप सभी ने तो वीडियो देख ही लिया, इसमें मैंने जो लोकेशन दिखाया और लैंड पार्सल जो दिखाया, और साथ साथ में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जैसे ही रोड से एंटर करते हैं प्रोजेक्ट के तरफ तो आपको चार विंग का इनका टावर दिखा होगा जो आराध्या हाई पार्क है, उसमें हमारे पास फ्लैट एंड शॉप दोनों अवेलेबल है। आपको अगर उसमें भी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसका OC आ चुका है, उसका पोजीशन विद इन एक मंथ के अंदर अंदर ही आपको दुकान का और फ्लैट्स के पोजीशन देने वाले हैं, उसका भी मैं वीडियो आप सभी के बीच में लाऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग पार्कवुड के बारे में बात कर रहे हैं, जो इनका न्यू लॉन्चिंग है पार्कवुड प्रोजेक्ट, उसके बारे में मैं फिलहाल अभी आप सभी से बात कर रहा हूँ। इसकी अगर अब मैं लैंड पार्सल की बात करूँ तो इसका जो लैंड पार्सल है वो 2.3 एकड़ में है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चार टावर मिल रहे हैं ABCD। ये चारों टावर 35 माले की बिल्डिंग है, इसमें आपको दो लेवल पोडियम कार पार्किंग भी मिल जाता है। इसमें आपको 1 BHK और 2 BHK दो टाइप के फ्लैट देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो सी और डी विंग फिलहाल दो विंग ही लॉन्च कर रहे हैं। अगर मैं सी विंग की बात करूं तो सी विंग में सिर्फ और सिर्फ 1 BHK बना रहे हैं, एंड वहीं डी विंग की बात करूं तो डी विंग में सिर्फ और सिर्फ 2 BHK का फ्लैट बना रहे हैं। पर फ्लोर पे इनका टोटल 8 फ्लैट है, मतलब एक विंग में पहले माले से लेकर 35 माले तक सिर्फ आपको 1 BHK मिलेगा और पर फ्लोर पे 8 फ्लैट। सेम दूसरे बिल्डिंग में भी आपको 2 BHK का फ्लैट पर फ्लोर पे 8 मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर से लेकर 35 माले तक। तो ये बहुत ही नया है, इस तरीके का जो है फ्लैट बहुत मीरा रोड में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ना के बराबर ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सारे बिल्डिंग बनता है एक विंग में आपको अगर देखेंगे पर फ्लोर पे तो 1 BHK 2 BHK 3 BHK सारे टाइप के भी फ्लैट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक विंग में सिर्फ आपको एक टाइप की बिल्डिंग मिल रही है देखने के लिए, और दूसरे विंग में भी आपको सिर्फ दो टाइप का फ्लैट देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 1 BHK का अलग और 2 BHK का अलग। बहुत ही शानदार ये प्रोजेक्ट है दोस्त। 1 BHK की कारपेट की अगर बात करूं तो 1 BHK की कारपेट 450 रेरा स्क्वायर फीट है, 2 BHK की रेरा कारपेट की अगर मैं बात करूं तो 650 स्क्वायर फीट का है। इसमें आपको डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी मिल जाता है और डबल हाइटेड आपको रॉप टॉप पे एमिनिटीज भी मिल जाता है।
इसमें आपको दो क्लब हाउस मिलते हैं। क्लब हाउस का जो एरिया है 2500 स्क्वायर फीट में इसका क्लब हाउस है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इसका क्लब हाउस है और कितना ग्रैंड ये प्रोजेक्ट है। इसके अगर पोजीशन डेट की बात करूँ तो पोजीशन आपको 2025 दिसंबर में है, वही अगर रेरा पोजीशन डेट बोलूँ तो 2026 दिसंबर में है। 1 BHK की अगर प्राइस की बात करूँ तो 77 लाख फ्लैट कॉस्ट है, साथ में स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन मेंटेनेंस गवर्नमेंट चार्जेस ये सब इंक्लूड होने वाला है। वही अगर 2 BHK की प्राइस की बात करूँ तो 1,15,00,000 रुपया बेसिक प्राइस है, फ्लैट कॉस्ट है, उसमें भी आपका मेंटेनेंस चार्जेस स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन GST गवर्नमेंट टैक्स ये सब सारी चीज़ें ऐड होके आने वाला है। फैमिली आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आए और एक्चुअल फ्लैट देखें और एक्चुअल लोकेशन देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें आपको माउंटेन फेसिंग का फ्लैट और सिटी व्यू दोनों देखने के लिए मिल जाता है। अधिकतर इसमें माउंटेन फेसिंग मिलता है, जो संजय नेशनल गांधी का जो फेसिंग है वो बहुत ज़्यादा है प्रोजेक्ट के अंदर और बहुत अच्छा खूबसूरत है, एकदम नेचर से कनेक्टेड जो है ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूँ तो 25,000 स्क्वायर फीट में आपको 2 क्लब हाउस मिल जाता है, 60+ आपको एमिनिटीज मिल जाता है। ये एमिनिटीज लाइफस्टाइल फैसिलिटी है, लग्जरियस लाइफस्टाइल फैसिलिटी के साथ में मिलता है आपको। इनफिनिटी स्विमिंग पूल, मॉडर्न वर्कआउट सर्किट, स्काई योगा, स्पा, स्टीम एंड ओपन जकूजी मिल जाता है आपको इसके अंदर, क्रिकेट टर्फ, जूस बार विथ सन किन सीटिंग मिल जाता है, मल्टीपर्पज कोर्ट मिल जाता है आपको, को वर्किंग जोन मिल जाता है, सीनियर सिटीजन सीट आउट स्पेस मिल जाता है आपको, किड्स प्ले एरिया मिल जाता है, मिनी प्लेक्स मिल जाता है, इंडोर गेम्स मिलता है, एकॉर्ड गेम जोन मिल जाता है आपको, लेविस बैंक्वेट हॉल एंड जॉगिंग ट्रैक एरिया आपको मिल जाता है, और भी बहुत सारा एमिनिटीज इसमें मिलता है। आप सभी जब भी प्रोजेक्ट पे आएंगे तो आपको हम बताएंगे। अब मैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात करूँ तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 100 मीटर की दूरी पे मीलता है, अपकमिंग मेट्रो स्टेशन 300 मीटर की दूरी पे मीलता है, मिरर रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पे मीलता है, वही दहिसर रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो 2.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको दहिसर रेलवे स्टेशन मिल जाता है। वही स्कूल और कॉलेज की बात करूँ तो सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल 100 मीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है, सेंट जेवियर हाई स्कूल 6 किलोमीटर की दूरी पे, रोस्तम जी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है, भक्ति विधान 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है, रॉयल कॉलेज 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है, एनएल डालमिया 2 किलोमीटर, आरबीके स्कूल 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। इसके बाद मैं आप सभी को हॉस्पिटल के बारे में बताता हूँ। हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो भगवती हॉस्पिटल 5 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाता है, भरत रतन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 5 किलोमीटर पे मिल जाता है, कृपा हॉस्पिटल 6 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाता है, लोटस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 7 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाता है। मॉल्स की अगर बात की जाए तो मॉल में ठाकुर मॉल 200 मीटर की दूरी पे, ग्रोवेल्स मॉल 6 किलोमीटर की दूरी पे, ओबरॉय मॉल 11 किलोमीटर, मीरा भाईंदर मैक्सेस मॉल की बात करूँ तो 5 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाता है। अगर वही मैं थिएटर की बात करूँ तो ठाकुर मॉल के अंदर आपको थिएटर मिल जाता है, साथ में सिनेमैक्स में भी आपको थिएटर मिल जाता है। ये प्रोजेक्ट ऑल बैंकों से लोन अप्रूव है, आप यहाँ पे किसी भी बैंक से लोन अप्रूव करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोन आपका हम करा के दे तो हम भी लोन का काम करते हैं, हमारे बैंकर से टाइप है, आपको जो हेल्प कर सकते हैं इसमें होम लोन के लिए। फैमिली होम लोन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते हैं, हमारा 52 बैंकों से टाइप है, आपको होम लोन के लिए भी कहीं पे आने और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो बैंकर है वो आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इसमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना है। आपको जो भी चार्जेस देना है वो स्टाम्प ड्यूटी का गवर्नमेंट टैक्सेस आएगा, आपको सिर्फ वही चार्जेस इसके अंदर देना है दोस्तों। हम रीसेल, न्यू प्रोजेक्ट, रेंट एंड कमर्शियल में भी काम करते हैं, उसमें भी अगर आपको सहायता चाहिए तो उसमें भी आप हमसे सहायता ले सकते हैं, हम आपको पूरी से पूरी सहायता देंगे। फैमिली आप सभी को मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जितना बताया हूँ उन सबका डिटेल्स अगर आपको डीपली में जाना है, अच्छे तरीके से चेक करना है तो आप महारेरा के साइट पे जाके आप इसका चेक कर सकते हैं। इसका मैं आप सभी को रेरा नंबर बता देता हूँ, रेरा नंबर से आपको इस प्रोजेक्ट का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। इसका रेरा नंबर है दोस्तों P517000 4678। ये रेरा नंबर से दोस्तों आप इसका प्रोजेक्ट का सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं घर बैठे बैठे। फैमिली अगर आप लोगों का भी फ्लैट आराध्या हाई पार्क में है, अगर आप लोग अपना फ्लैट सेल करना चाहते हैं या रेंट पे देना चाहते हैं, या फिर आपका शॉप है रेंट पे देना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें भी आपकी पूरी से पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आप सभी से एक बार फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।